कितना अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर, थोड़ा सा हीट है हो रहा है यहाँ पर, हीट तो होगा क्योंकि हमने हीट सीट नहीं लगाया और लोड भी पड़ रहा है, एक एम्पियर ले रहा है। फ्रेंड्स, तो मैं GSM राकेश हैं, पर बहुत सारे लोग मेरे से हर वीडियो में कमेंट कर रहे हैं कि जो आपने आयरन बनाया था उसका रेगुलेटर के साथ वीडियो बनाइए और वो किस तरीके से काम कर रहा है उसके बारे में, क्योंकि हर वीडियो में आपको ये आयरन मेरे लिए काम करते हुए ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि ये रेगुलेटर ये लगातार चलता है तो इसका बीटा वो ख़राब हो जाएगा, तो मुझे लगता है एक महीना से ज़्यादा हो गया होगा, अभी तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और बहुत अच्छे से काम कर रहा है और इसे आप बहुत कम रुपये में भी बना सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरा देख लीजिएगा, आज इसका रेगुलेटर बनाने वाला हूँ। रेगुलेटर मैंने ऑलरेडी अपने DC पावर सप्लाई मशीन में बना रखा है, बट वो आपके समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पर आपको इसका रेगुलेटर बनाना सिखाऊंगा। रेगुलेटर बहुत ईजिली है, आप डिजिटल भी बना सकते हैं और नॉर्मल भी बना सकते हैं। मैं आपको डिजिटल बना के दिखाऊंगा, बट जो तरीका बताऊंगा वो नॉर्मल बताऊंगा, आप उसे अपग्रेड कर सकते हैं डिजिटल में। आपको यहाँ पर एक MOSFET ले लेना है जो इन्वर्टर में लगा हुआ होता है, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे मिल जाएगा, Z44N 10K का आपको वॉल्यूम ले लेना है, इसे रेगुलेटर में काम करना है। मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, यहाँ पर आपको एक MOSFET लेना है, कुछ इस तरीके का MOSFET होता है जिसमें 3 पिन होती हैं, जिसका नंबर Z44N होता है। एक आपको वॉल्यूम लेना है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ वॉल्यूम को, समझ लेना थोड़ा सा, मैं आपको प्रैक्टिकल भी आपको बताऊँगा। वॉल्यूम में भी आपको 3 पिन मिलेंगी। यहाँ पर आपको 15 वोल्ट से 15 वोल्ट टू 24 वोल्ट की कोई भी सप्लाई ले लेना है, कोई भी सप्लाई ट्रांसफार्म थ्रू या फिर SMPS या फिर कुछ भी ले सकते हैं, जिसमें एक आपका माइनस होगा एक प्लस होगा, एक आपका आउट होगा USB के थ्रू जो हमारा आयरन में जाएगा प्लस माइनस, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा DC पावर सप्लाई से या फिर कहीं से भी वोल्टेज लिया। एक पिन हमारा जो इन होगा वो हमारा होगा बीच वाले कनेक्टर पर MOSFET के, ठीक है, साथ ही हमारा एक आउट होगा प्लस वाला आयरन पर, ठीक है, 2 पिन हो गई हमारी। तीसरा पिन ये वाला हमारा वॉल्यूम पर जाएगा बीच वाली पिन पर, और हमारा बीच वाला पिन भी हमारे यहाँ पर वॉल्यूम पर जाएगा कुछ इस तरीके से, ये यहाँ से, ठीक है, हमारे कनेक्टर हो गया। हमारा माइनस बचा, यहाँ से प्लस मिल गया आउट, माइनस हमारा यहाँ से डायरेक्ट हमारा एक वॉल्यूम पर जाएगा और यहीं से आपका माइनस आयरन पर जाएगा। यहाँ पर मैंने प्लस गलत लिख दिया, ये माइनस है, इस तरीके से ये वर्क करेगा। ये 10K ohms का रजिस्टर यहाँ पर रेगुलेटर होगा, ध्यान से समझ लेना। प्लस का बोल्ट यहाँ पर आएगा, माइनस का बोल्ट यहाँ पर आएगा, बीच वाला यहाँ पर जाएगा और फिर बीच वाला MOSFET का यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये काम करेगा, जो कि बहुत ईजिली है। आप इसे डिजिटल में अपग्रेड कर सकते हैं। अब मैं डिजिटल में आपको बनाना सिखाऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो को रोककर, किस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं इसे, और ये हमारा आउट होगा, ठीक है। अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगा।
वीडियो को रोककर मैंने इसकी जो वायरिंग है वो कर लिया है, और आप लोगों को समझा देता हूँ। पहली बार तो आपको इसमें समझ में आ चुका होगा, हमने जो 24 वोल्ट या फिर हमने अभी 15 वोल्ट की सप्लाई ली है, 24 वोल्ट कर सकते थे बट मेरे लिए अच्छा नहीं लगा। आप 24 वोल्ट की सप्लाई भी ले सकते हैं या फिर 15 वोल्ट की भी सप्लाई ले सकते हैं। तो ये हमारी सप्लाई के तार आ गए हमारे, जो कि हमारा ये वाला माइनस हो गया वॉल्यूम बटन पर इधर, और ये हमारा लास्ट में प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से हमने मॉस्फेट को लगाया है, ये वाला आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, और इसमें जो हमारा पॉजिटिव पॉइंट होगा वो आउट होगा, और एक पॉजिटिव पॉइंट आउट सॉरी ग्राउंड का जो पॉइंट है वो इससे आउट होगा। तो यहाँ पर हमने एक रेगुलेटर के साथ साथ डिजिटल भी यहाँ पर लगाया है, देख सकते हैं यहाँ पर इसकी वायरिंग आप समझ सकते हैं। इसमें तीन बार आपको मिलेंगे, एक दो तो प्लस माइनस के होंगे, जो कि प्लस माइनस पे आपको लगा देना है। यहाँ पर आउट हो रहा है तो प्लस कर दिया यहाँ पर, और यहाँ आउट माइनस हो रहा है तो यहाँ पर कर दिया। उसके बाद पीला वाला वायर है वो आपको प्लस के आउट पर लगाना है। उसके बाद आपको जो आउट लेना है, यहाँ पर मैंने एक आउट लगा दिया है यूएसबी के थ्रू। तो यूएसबी के थ्रू हमारे दो वायर आउट होंगे, जो कि एक प्लस का पॉइंट होगा हमारा, इसी से आउट यहाँ पर कर दिया है। उसके बाद ये वाला जो माइनस वाला होगा वो हमारे ये दो मोटे वायर होते हैं उसमें से आपको लगा देना, एक को आपको छोड़ देना इस वाले वायर को। अब हमारा काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना भूल गया, ये मॉस्फेट हीट होके चलेगा क्योंकि आयरन है वो एक एम्पियर की करीब लेता है। तो यहाँ पर आपको हीट सीट लगा देना है, मेरे पास अभी हीट सीट नहीं है, मैं आपको टेस्ट के रूप में आपको दिखा रहा हूँ। अगर आप इस पर हीट सीट नहीं लगाती तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो अभी मेरे लिए आपको सिर्फ इसका जो डायग्राम है या फिर इसकी जो रेगुलेटर है वो बनाना था, तो मेरे लिए इसे यूज़ नहीं करना है, आप लोगों के सिर्फ बताने के लिए ये सिस्टम सारा कुछ बनाना पड़ा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं तो ये बहुत ईजिली है, इस तरीके से आपको बना लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा वोल्टेज, एक मिनट में यहाँ पर इसको लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम से हम वोल्टेज कम ज़्यादा करेंगे तो इधर की तरफ हमारा कम होगा, देख सकते हैं हमारा कम हो रहा है, देख सकते हैं। और हम मैक्सिमम कितना वोल्टेज कर सकते हैं, हमारी डीसी पावर सप्लाई मशीन अभी 15 वोल्ट आउट कर रही है, तो यहाँ पर हमारे लिए 12 वोल्ट तक ये निकाल रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमारा वोल्टेज है वो डाउन भी हो रहा है। तो इसलिए आपको 12 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई यूज करना है या फिर 24 वोल्ट की सप्लाई यूज करना है। यहाँ पर मैंने 15 वोल्ट की सप्लाई यूज किया है तो 12.23 एम्पियर यहाँ पर वोल्टेज दे रहा है। तो अब यहाँ पर मैं आयरन लगा के हीटिंग देता हूँ, और यहाँ पर आपको 1 एम्पियर आयरन का रखना है। तो अब मैं यहाँ पर आपको आयरन चेक करके दिखाता हूँ, तो साइड में मैं इसको बंद कर देता हूँ, इसका काम ख़त्म हो गया। और ये हमने आयरन लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर देखना ध्यान से, यहाँ पर हम आयरन का यूएसबी लगाएंगे यहाँ पर, और ये एम्पियर लेने लगेगा। तो यहाँ पर इस आयरन की जो एम्पियर कंजप्शन है वो हमारा 1 एम्पियर के करीब होना चाहिए, तो अभी ये कम है तो इसके लिए हम एम्पियर है वो बढ़ा देंगे, 1 एम्पियर के करीब कर देंगे, ठीक है। 1 एम्पियर के करीब हो गए, थोड़ा सा जैसे जो हीट होगा तो ये बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो हम इससे बढ़ा देंगे, 1 एम्पियर के करीब लेना चाहिए। यहाँ पर कितना भी वोल्टेज हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारा एम्पियर पर फ़र्क पड़ेगा, हमारा जो 1 एम्पियर के करीब इसमें लेना चाहिए। अगर 1 एम्पियर ये ले रहा है तो ये आयरन अच्छे से गर्म हो जाएगा। तो देख सकते हैं 1 एम्पियर से ऊपर जाने लगा है, तो इसे 1 एम्पियर के आसपास ही रखना है, इतने से ऊपर नहीं रखना है 1 एम्पियर से। अगर थोड़ा सा डाउन ऊपर होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। और वो देख लेना हीटिंग के हिसाब से कितना हीट रखना है, आपको कम रखना है या ज़्यादा रखना है, तो यहाँ से आप टेम्परेचर का काम करेगा एम्पियर। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसे आयरन हीट हो रहा है थोड़ा सा। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पर टेस्ट कर लेते हैं, ये आयरन देख सकते हैं 1 एम्पियर ले रहा है, वोल्टेज यहाँ पर कितना भी हो एम्पियर 1 एम्पियर के करीब लेना चाहिए। आप ज़्यादा हीट करना चाहते हैं तो ज़्यादा एम्पियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसका हीटिंग, तो देख सकते हैं कितना अच्छे से काम कर रहा है ये। मैं कहीं पर जम्पर भी करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर देखता हूँ लगता है नहीं लगता है, ये थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम, देख सकते हैं अच्छे से काम कर रहा है। मगर इसके मॉस्फेट पर आपको हीट सीट जरूर लगाना है हीटिंग रोकने के लिए, ठीक है। अच्छे से काम कर रहा है, मैं थोड़ा सा हीट और बढ़ा दूं,
बढ़ रही है, थोड़ी सी हीटिंग लोड पड़ रहा है क्योंकि हीट सीट ना आए इस पर लगा हुआ मॉस्फेट पर, तो उसकी वजह से ये हीट हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, ख़राब होता है तो होने तो, क्योंकि मैं तो इसे यूज नहीं करना हूँ। मैं तो आप लोगों को सिर्फ बताना था, क्योंकि मैंने अपनी डीसी पावर सप्लाई मशीन में ऑलरेडी इसका जो सिस्टम है वो बना रखा है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हीट बढ़ा दिया है, इससे हीट इधर को करोगे तो कम हो जाएगा। जैसे कि इसका जो हम किसी चीज़ की एम्पियर घटाते हैं या फिर वोल्टेज घटाते हैं, उसी तरीके से इसकी हीट कम होगा, इधर से इधर को घटेगा और इधर को बढ़ेगा इसका हीट। ये नीचे हीट है, ऊपर वोल्टेज है। तो ये आप और भी मल्टीमीटर आते मीटर आते हैं तो वो किसी में से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी कुछ भी दिक्कत नहीं है, हीट हो रहा है हल्का हल्का। तो यहाँ पर ये आयरन है वो अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा सा हीट बढ़ाया है मैंने, देख सकते हैं कितने अच्छे से काम कर रहा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, बाकी का काम अच्छा सा कर रहा है ये, ठीक है। कितना अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं एम्पियर, थोड़ा सा हीट है रहा हो रहा है यहाँ पर, हीट तो होगा क्योंकि हमने हीट सीट नहीं लगाया और लोड भी पड़ रहा है, एक एम्पियर ले रहा है। तो बाकी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से आप काम में ले सकते हैं। यहाँ पर यूएसबी है। तो फ्रेंड कुछ लोग ये बोल रहे थे कि इसका जो बिट है वो लगातार चलता रहेगा तो खराब हो जाता है। तो एक महीने से ज़्यादा मेरे लिए यूज करते हुए हो गया, तो मेरे लिए तो कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आई है। अगर मेरे पास काम नहीं होता है तो मैं इसे निकाल कर रख देता हूँ, जब मेरे पास काम आता है तो मैं इसको लगा देता हूँ, इस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। जब खाली टाइम में होगा तो हम इसको निकाल के रख देते हैं। तो अच्छे से काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं, जुगाड़ है और अच्छा सा काम कर रहा है, ये नहीं कि बिल्कुल ही जुगाड़ हो। तो मेरे लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, बाकी का आप अपने हिसाब से यूज़ में ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।